अब हम लोग समझते हैं अधिकरण या ट्रिब्यूनल क्या होता है। ये भी एक न्यायपालिका का ही काम करता है या न्याय देने का काम करता है। तो टॉपिक बना लेते हैं ट्रिब्यूनल। यहाँ से बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ट्रिब्यूनल, पहले हम आपको संवैधानिक प्रावधान बताते हैं इसका। बयालीसवें संविधान संशोधन द्वारा उन्हें जोड़ा गया है, ये पहला पॉइंट समझना। कब? 1976। पूछा जाता है किस भाग में है या पार्ट में से पूछा जाए तो भाग 14 का में। दूसरा पूछा जाता है किस आर्टिकल्स में है, तो दो आर्टिकल हैं, एक 323 का और एक है 323 खा। यहीं से समझने वाली बात है। 323 का में प्रशासनिक अधिकरण, ये प्रशासनिक अधिकरण क्या होते हैं? प्रशासनिक अधिकरण वे अधिकरण हैं जिनमें जो प्रशासनिक कर्मचारी हैं उनकी सेवा शर्तें या कार्यकाल या भर्ती प्रक्रिया, इनसे रिलेटेड विवादों को सुलझाया जाता है। ठीक है, अब यहीं से थोड़ा कॉन्सेप्चुलाइज कर लीजिए। मींस क्या है? अधिकरण किसी विशेष मुद्दे से रिलेटेड के देखते हैं या किसी विशेष विषय से संबंधित मामलों को देखते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? अधिकरण। और जो 323 खा है वो कहते हैं उसमें अन्य अधिकरण आते हैं। अन्य अधिकरण का मतलब क्या है? जैसे कर से रिलेटेड मामलों को देखें दिए, या राजस्व से रिलेटेड मामले हैं, या हम कहें पर्यावरण से रिलेटेड मामले। जैसे आपने ग्रीन ट्रिब्यूनल सुना होगा, एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। बहुत से ऐसे मामले हैं जो 300 किसके तहत आ जाते हैं? 23 खा के तहत। अब ध्यान देने वाली बात है कि ये केवल संसद गठित कर सकती है। मैं कुछ कॉन्सेप्चुअल पॉइंट बता रहा हूं जो बहुत पूछे जाते हैं। और इन्हें 323 खा के तहत इसकी पावर संसद को भी है और राज्य के विधान मंडल को है। मतलब राज्य के स्तर पर भी अन्य अधिकरण गठित किए जा सकते हैं, लेकिन प्रशासनिक अधिकरण संसद ही गठित करेगी। मींस केंद्र के स्तर पर ही गठित किए जाएंगे, यानी उन्हें राज्य गठित या राज्य का विधान मंडल गठित नहीं कर सकता। बात समझे? जैसे हमारे यहाँ कैट है, एक कैट, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, जिसमें कहा जाता है सिविल सेवकों की भर्ती और प्रक्रिया से संबंधित विवादों को क्या किया जाता है? देखा जाता है या सुलझाया जाता है, निपटाया जाता है। तो वो किसके तहत जाएगा? इसके तहत। और वो केवल संसद ही गठित कर सकती। इसी तरीके से सिविल सर्विसेज से रिलेटेड अगर कोई और मामले के लिए अधिकरण गठित करना हो तो राज्य संसद से रिक्वेस्ट कर सकते हैं और वो संसद दो या दो से अधिक राज्यों के लिए गठित कर देगी, लेकिन राज्य विधानमंडल गठित नहीं कर सकते। ये बात समझना है, दोनों आर्टिकल्स में अंतर। समझ? अब हमें इसमें इतना ही जानना होता है ट्रिब्यूनल में, लेकिन हम एक और बता दें थोड़ा सा, वहां से क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है संक्षेप में। एनजीटी को यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। एनजीटी, इसे हम कहते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। यहां से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर हम कहानी के रूप में कहें तो आपने सुना होगा आर्टिकल 21 जो हमारे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है, उसमें पर्यावरण को भी शामिल कर दिया गया, यानी स्वच्छ पर्यावरण लोगों को मिले, स्वच्छ जल मिले, स्वच्छ वायु मिले। तो इसके संरक्षित करने के लिए ट्रिब्यूनल गठित किया गया, जिसे हम कहते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। अब क्या समझने वाले? ये 1980 और 90 के दशक में आर्टिकल 21 को परिभाषित ऐसे किया, लेकिन इसके लिए जो एक्ट आया है वो कब आया है? 2010 में आया। ये पूछा कई बार गया कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के लिए एक्ट कब आया है? 2010 में। इसकी खासियत, इसे केवल एक ही जगह नहीं, इसका अगर पूछा जाए हेडक्वार्टर कहाँ ये पूछे गए हैं तो ये दिल्ली में है, लेकिन इसकी चार शाखाएं हैं। एक भोपाल में खंडपीठ, एक पुणे में है, और एक अगर हम कहें कोलकाता में है, और एक है चेन्नई में। इसकी खासियत है कि इसमें 6 माह के भीतर मामला निपटा कर देते हैं। कितने माह के भीतर? 6 माह के भीतर। 6 महीने में इसमें कोई भी मामला हो वो क्या कर दिया जाएगा? सुलझा दिया जाएगा। और कोई भी एनजीओ, कोई भी मीडिया, कोई भी व्यक्ति जाके इसमें पर्यावरण से संबंधित मामले को क्या कर सकता है? दायर करा सकता है। दूसरी बात समझने वाली बात है यहां पर है कि यह प्राकृतिक सिद्धांतों पर काम करता है। प्राकृतिक सिद्धांत पर मतलब क्या है? हमारे यहां सामान्यता जो काम होते हैं वो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के आधार पर होते हैं। पहले से संसद जो एक्ट बनाएगा उसी के आधार पर हमारे यहां निर्णय दिया जाएगा, लेकिन यहां नेचुरल जस्टिस के आधार पर काम किया जाता है। नेचुरल जस्टिस की सबसे अच्छी बात अगर आपको समझना है कॉन्सेप्चुअल, तो इसमें परिस्थिति पर ध्यान दिया जाता है। मतलब हर जगह थप्पड़ मारना अपराध नहीं, थप्पड़ किस परिस्थिति में मारा गया इस परिस्थिति पर विचार किया जाएगा। ठीक, और वो हो सकता है कि वो अपराध ना घोषित किया जाए,
बात समझ रहे हैं? तो उसे हम क्या कह देते हैं, नेचुरल जस्टिस। तो समझने वाली बातें हैं। तो मैंने आपको अधिकरण समझाया, अब एक कॉन्सेप्ट हम और समझाना चाहते हैं। अगर कोई ये स्टेटमेंट बना दे, यूपीएससी इस तरीके क्वेश्चन अक्सर पूछती है, जैसे पहला स्टेटमेंट ये दे दे कि सभी न्यायालय अधिकरण होते हैं, और दूसरा कह दे कि सभी अधिकरण मीन्स ट्रिब्यूनल न्यायालय होते हैं, तो कौन सा सही होगा? तो ध्यान रखें, ये स्टेटमेंट सही, क्योंकि न्यायालयों के पास वो सभी पावर हैं जो अधिकरण के पास हैं, लेकिन अधिकरण के पास वो सभी पावर्स नहीं हैं जो किसके पास है, न्यायालय के पास। बात समझ? तो ये बातें यहां से समझने वाली है, ये कॉन्सेप्चुअल है। तो ये स्टेटमेंट गलत है और ये स्टेटमेंट क्या होगा, सही हो जाएगा। तो हमने आपको क्या बताया, शॉर्ट में अधिकरण या ट्रिब्यूनल टॉपिक बताया, ठीक है? तो यहां तक अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।